Hello everyone, I hope you all are doing good. My name is Vidhi and welcome back to my channel Indian Makeup and More. आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं घर पे ही आईब्रोज कैसे वैक्स करती हूँ और मैं इसको 3 से 4 साल से यूज़ कर रही हूँ. मुझे अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ है और मेरी स्किन के लिए भी अच्छे से वर्क कर रहा है. तो आप जैसे देख रहे होंगे मैंने वीट की वैक्स स्ट्रिप यूज़ करी है. आई एम टेकिंग द सेंसिटिव वन और इसमें 3 वेराइटीज़ और आती है, वेरियंट्स आता है, बट आप जो है मैं सजेस्ट करूँगी सेंसिटिव वाला ही ले बिकॉज जो हमारा फेस है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है. अब उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज पे और फोरहेड पे जॉनसन बेबी पाउडर लगा दिया है और आप जैसे कि देख सकते हैं उसके बाद मैंने ये वैक्स स्ट्रिप्स को बिल्कुल ही पतला पतला कट कर लिया है इसी शेप में. अब जो है आपको इसको करने के लिए कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है आपको. इसे प्लेस करना है जैसे मैं ऐसे प्लेस कर रही हूँ, बिल्कुल आप वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे करना है. प्लेस करना है, उसके बाद प्रेस करना है एंड देन पुल करना है. बस यही 3 चीज़ें आपको करनी है और बहुत ही कम समय में आपकी जो आईब्रो है पूरी शेप में आ जाएगी. देखिए आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये मेरे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने की ग्रोथ है. मैंने वीडियो के पर्पज़ के वजह से ही नहीं बनाई थी. तो आप देखिए अब यहाँ पे मेरे कितने हेयर थे लेकिन इसके बाद जो है बिल्कुल शेप में आने वाली है. तो मैंने क्या करा है, इसको केयरफुली जो है प्लेस किया है. अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, देखिए आप बिल्कुल वीडियो में ध्यान से. और उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब इसको पुल कर दूँगी. तो पुल करने के बाद ऑटोमेटिकली जो मेरी आईब्रो की शेप है वो बन जाएगी. आप इसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पतला या मोटा भी रख सकते हैं जैसे आपको आईब्रो पसंद है. चाहे तो आप आँख रख सकते हैं, चाहे तो आप हटा भी सकते हैं. तो देखिए परफेक्टली शेप आ गई है इन जस्ट 2 स्टेप. ऊपर की आईब्रो परफेक्टली बन गई है और मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी कि मैं 3 साल से पार्लर नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी आईब्रोज खुद ही घर पर बना रही हूँ. क्योंकि जो पार्लर वाली जो होती है वो आईब्रोज को आईब्रोज की शेप ख़राब कर देती है, कभी पतला कर देती है. तो इसलिए जो है मैं खुद से ही अपने आईब्रोज बना रही हूँ और मेरे को थिक आईब्रोज पसंद है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टेक्निक. तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने वैक्स स्ट्रिप को लगाया है और अब मैंने इसको पुल कर लिया है, बिल्कुल परफेक्टली शेप आ गई. और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वैक्स स्ट्रिप के ऊपर कितने सारे हेयर चिपक गए हैं. तो ये एक ही बार में है. अगर आपको थ्रेडिंग में बहुत पेन होता है, जैसे कि मैं थ्रेडिंग का पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो आपके लिए मेथड बेस्ट है. अब आप देखिए मैं यहाँ से अपना अराउंड माय यू नो फॉरहेड एरिया पे भी थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ. इससे जो है फॉरहेड बहुत ही ज़्यादा शार्प लगता है और ये बेस्ट हैक है अगर आपका भी फॉरहेड मेरी तरह छोटा है. उसके बाद मैंने जो स्ट्रिप्स है उसको थोड़ा सा और पतला कर लिया है और मैं इसको अपने आईब्रो के नीचे वाला जो एरिया है इधर यहाँ पे अच्छे से प्लेस करके प्रेस कर रही हूँ. और जो थोड़े से इस एरिया में हेयर रह जाते हैं उसको मैं ऐसे रिमूव कर देती हूँ, आप देख सकते हैं. इसके बाद भी अगर थोड़े बहुत हेयर रह जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं ट्वीज़र्स लेती हूँ और ये मैं कलर बार का ट्वीज़र यूज़ कर रही हूँ. ये भी बहुत अच्छा ट्वीज़र है, ये मेरे पास 3-4 साल से पड़ा होगा या शायद उससे भी ज़्यादा समय से. और जितना भी बचे कुछ हेयर है इसको मैं ऐसे ट्वीज़र से रिमूव कर लेती हूँ. तो आप दोनों आई में डिफरेंस देख सकते हैं, एक साइड में मेरे हेयर है और एक साइड में जो है आईब्रो पूरी शेप ऑफ हो चुकी है. अब आप जैसे देख रहे होंगे कि जितने भी वैक्स है उसका थोड़ा बहुत जो है रेसिड्यू वो मेरे स्किन पे रह गया है. तो उसको रिमूव करने के लिए मैं गार्नियर का मिसेलर वाटर ले रही हूँ. अगर आपके पास मिसेलर वाटर नहीं है तो फिर आप कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल से भी रिमूव. और अब जो है आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो बिल्कुल परफेक्टली शेप हो गई है, कोई रेसिड्यू कुछ नहीं बचा. और यहाँ का जो एरिया है आप देख सकते हैं कि ये रेड भी नहीं हुआ है. अब आप दोनों कंपेयर करके देख सकते हैं दोनों आईब्रोज में. तो अब मैं क्या करती हूँ, ये वाली भी आईब्रो कंप्लीट कर लेती हूँ.
तो अब आप देखिए मेरी जो दोनों आईब्रोज है मैंने कम्प्लीटली दोनों साइड से कम्प्लीट कर ली है और इसको वैक्स कर ली है। दोनों आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल इवन शेप में है और मैंने थोड़े से फॉरहेड के पास से भी हेयर रिमूव करे हैं और आप देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है एंड ये लिटरली सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर मैंने बना ली है। सो यस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।